एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। दोस्तों, ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि अगर आपके बूथ पर कोई संक्रमित व्यक्ति मतदान करने आ गया तो क्या करेंगे, मतदान कराएंगे या वापस कर देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो प्रश्न है वो अपने साथ आंसर लेकर के भी चलता है, तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका आंसर ना हो। तो इस प्रश्न का आंसर भी प्राप्त हुआ है, प्रशिक्षण के दौरान ये प्रश्न उठाए गए हैं। तो इनका आंसर क्या मिला है, मैं आपको इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, ढूंढते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि अगर आपके बूथ पर कोई संक्रमित व्यक्ति मतदान करने आ गया तो क्या करेंगे, क्या आप उसे वापस कर देंगे या मतदान कराएंगे। हाँ, तो दोस्तों, आपके इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं एक पेपर की कटिंग लेकर आया हूँ जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। यद्यपि हमारे यहाँ ट्रेनिंग में भी हमारे बैच में ही इस प्रश्न का उत्तर पूछा गया था, तो इसका उत्तर भी वही दिया गया जो यहाँ पर दिया गया है। देनी होगी जानकारी, पीठासीन अधिकारी डलवाएंगे वोट, मास्क व हाथ में ग्लव्स जरूरी। पंचायत चुनाव में इस बार कोरोना के खौफ का साया है, लेकिन संक्रमित व्यक्तियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि वह अपना वोट पोलिंग बूथ पर जाकर डाल सकेंगे। पंचायत चुनाव आयोग ने इसके निर्देश दिए हैं। व्यवस्था की गई है कि संक्रमित व्यक्ति सबसे आखिर में पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाएगा, उसके मास्क लगा होना चाहिए और हाथ में ग्लव्स जरूर हों। पोलिंग बूथ पहुंचने पर थर्मल स्कैनर से सैनिटाइजर किया जाएगा। संक्रमित व्यक्ति के बूथ पर पहुंचने की जानकारी पीठासीन अधिकारी को पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी, इसके बाद उसे वोट डालने के लिए बैलेट पेपर दिए जाएंगे। तो संक्रमित व्यक्ति वोट भी सभी मतदाताओं की तरह बैलेट बॉक्स में ही रखा जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर हर पोलिंग बूथ पर थर्मल स्कैनर लगाया जाएगा ताकि मतदाताओं के बूथ में घुसने से पहले सैनिटाइज किया जा सके। पोलिंग बूथों पर किसी स्वास्थ्य टीम या एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान कार्मिकों को आवंटित ब्लॉक तक पहुंचाएगा प्रशासन। दूरदराज के ब्लॉकों में चुनाव ड्यूटी के लिए जाने वाले मतदान कर्मियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रशासन मतदान कर्मियों को उनके आवंटित ब्लॉकों तक पहुंचाएगा। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिन मतदान कर्मियों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी है उन्हें आवंटित ब्लॉकों में आने जाने का कोई साधन नहीं है, तो इसके मद्देनज़र 18 अप्रैल की सुबह 7 बजे राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बसों की व्यवस्था की गई है। ऐसे सभी मतदान कर्मियों कार्मिक जीआईसी ग्राउंड पहुंचकर बसों के माध्यम से ब्लॉकों तक पहुंच सकेंगे। सैनिटाइजर और मास्क से लैस होंगे पोलिंग बूथ। इस बार पंचायत चुनाव कोरोना की डरावनी बीमारी के साथ हो रहा है, जिसे देखते हुए पोलिंग बूथों पर सैनिटाइजर मास्क आदि की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों को मास्क लगाने व सैनिटाइजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। मॉडल बूथ में इस बार 2 बूथ बनाए गए हैं ताकि 2 मतदाता एक साथ अंदर जाकर वोट डाल सकें। धर्मसभा इंटर कॉलेज में बनाए गए मॉडल बूथ में बदलाव कर इसे प्रदर्शित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये रहा उस जरूरी प्रश्न का आंसर कि उस व्यक्ति को मतदान तो कराया जाएगा लेकिन सबसे आखिरी में, और सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना देने के बाद पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति का जो है मतदान कराएगा। तो आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।